सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली काफी टाइम बाद विकी कौशल एक और फिल्म लेकर आ गए हैं, द ग्रेट इंडियन फैमिली। कैटरीना कैफ के हाथों में मेहंदी लगाते लगाते अचानक उन्हें याद आ गया, आइला मैं तो एक्टर भी हूँ, तो उन्होंने सोचा चलो एक फिल्म बना ही ली जाए। लेकिन विकी भाई, मेहंदी ही लगानी चाहिए थी आपको, क्या फायदा ये फिल्म बनाकर अपने करियर की माँ बहने करने का। वैसे मेकर्स ने थोड़ा श्याणा बनने की कोशिश जरूर की है, लेकिन मुंह में आखिर उनके गू ही फंस गया आकर। आप सभी लोग जानते हैं आजकल रिलीजियस के नाम पर कहीं भी दंगे हो जा रहे हैं, कोई भी आड़ी टेढ़ी फिल्म हिट हो जा रही है, तो मेकर्स ने सोचा चलो ऐसे ही टॉपिक पर फिल्म बना ली जाए, तो उन्होंने बना दी। फिल्म एक पंडित जी की है जो कि पूजा पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन अचानक पता लगता है कि वो एक मुस्लिम है, तो ऐसा पहाड़ टूट जाता है मानो पड़ोस वाली भाभी को छेड़ दिया हो उन्होंने। फिल्म की स्टोरी तो ठीक ठाक ही है, लेकिन फिल्म का रद्दी भर भी किसी को नहीं पता चला है। जवान के आगे इस फिल्म का भाई पता तक नहीं चला कि कोई ऐसी फिल्म भी आई है। जैसे सलमान खान के बॉडीगार्ड ने विकी कौशल को साइड कर दिया था, उसी तरह जवान ने भी इस फिल्म को कहा चल हट निकल। इस फिल्म में पहली बार यशराज ने मानुषी छिल्लर को हीरोइन बनाया है। भैया मैं तो यही कहूंगा वो अभी बस छिल्लर पर ही कॉन्सेंट्रेट करे, तुम्हें लगता है वो बंदे नोट कमा कर दे पाएगी? नहीं ना। और गाइज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उनसे ज्यादा स्क्रीन तो उसके सपोर्टिंग रोल ने शेयर की है। पूरी फिल्म में महज दो या तीन जगह ही आपको मानुषी छिल्लर दिखाई देने वाली है, और यकीन मानो वो फिल्म की लीड हीरोइन है। फिल्म का ऐसा कोई गाना नहीं है जो आज तक किसी के कानों में भी गया हो, जिससे लोग ये पहचाने कि कोई फिल्म भी आई है। इससे ज्यादा तो लोग द ग्रेट इंडियन संकल्प देखने चले जाते हैं। थिएटर वाला भी फ्री का पॉपकॉर्न देकर गया है भाई। भैया कोई तो आया इस फिल्म को देखने जो पूरा देख रहा है, अब उसे क्या बताएं भाई, मजबूरी है। ओवरऑल फिल्म बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जवान, पठान, गदर 2 सबकी माँ बहन कर देगी ये फिल्म। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या आप लोग ये फिल्म देखने जाएंगे? अच्छी लंड मेरा। तो बस बारिश का मौसम है, घर पर चिल करो और पैसे बचाओ। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।